मैं अपने गुलाब के पौधों को रिपोर्टिंग करने वाली हूँ, तो उसके लिए सॉइल मीडिया बना रही थी। तो ये गार्डन सॉइल है और ये है कोकोपीट। तो मैंने दोनों की मात्रा बराबर ही रखा है, क्योंकि अभी समर का दिन आ रहा है तो पानी को होल्ड करके रखेगा। और ये थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट है जो पौधों के फूलों को कलर भी निकालता है और रिपोर्टिंग के शौक से भी बचाता है। और साथ में ये डीएपी के दाने हैं। और ये गोबर खाद है, ये गोबर की खाद है जिसमें केंचुए भी बनाए हैं। इसको मैंने वर्मिंग कंपोस्ट बनाने के मेथड से रखा था। करीब एक ही महीना हुआ है तो अभी मेरे पास दूसरा कुछ नहीं है, तो मैं इसे इस्तेमाल कर लेती हूँ। अपना प्रोसीजर पे पूरी तरह से तैयार था। इस तरह से केंचुए बनने लगे थे और एक महीना रहता था तो पूरी तरह से वर्मिंग कंपोस्ट बन जाता था। बहुत सारे केंचुए तैयार हो गए हैं। और साथ में नीम के पत्ते डाल दे रहे हैं, क्योंकि मेरे पास नीम खली नहीं है, पत्ते सूखे हुए हैं। इसे इस तरह से फंगस से भी बचाएगा। तो अभी सबको मिक्स करते रहे हैं। और फ्रेंड, ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया। तो चलिए रिपोर्टिंग करते हैं अपने पौधों को। तो फ्रेंड्स, ये है वो गुलाब का पौधा जिसे अभी मैं रिपोर्टिंग करूंगी। इसमें येलो कलर का फूल खिलता है और इसमें करना है तो इसमें मैं छोटे छोटे पत्थर का राहुल पे रखते रही हूँ और इसमें सॉइल मिक्स भरेंगे। सॉइल मिक्स तो अच्छा बना है और थोड़े से सूखे पत्ते भी डाल दे रहे हैं, वो अपने आप डीकम्पोज हो जाएगा। और ये सूखे किले के छिलके हैं। आज थोड़े हैं और अब इस पौधे को निकालेंगे, निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये इस तरह से निकला, यहाँ रख देते हैं। थोड़ा सा और मिट्टी डालना पड़ेगा, बहुत नीचे चले गए। उठा के रखते हुए मिट्टी भरेंगे। तो इस तरह से पूरी तरह से भर दिए और ये हो गया अच्छी तरह से। तो ओके बाय फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ओके बाय।